तो हेलो दोस्तों, जा रहे हैं मार्केट, कुछ दुकान का पार्ट्स लाना है, एक दो गाड़ी पेंडिंग है तो उसका सामान लाना है। एक BS6 CT 100 है, उसका क्लच सेंटर हब नहीं मिल रहा कहीं, तो उसको लाने जाना है। तो देख रहे रात का व्यू, ये 4 लेन है और रात का व्यू आपको दिखा रहे हैं। यही रोड से हमेशा जाना रहता है, हमेशा महीना में लगता है कि 27-28 बार जाना ही पड़ता है हमें, कभी कभी तो 2 बार जाना पड़ जाता है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद फिर आगे से कट है, वहाँ से निकलेंगे और चलते हैं मार्केट। तो देख रहे हैं अभी दिवाली का 3रा दिन है और पूरा अभी भी सजा हुआ है सबका घर वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। सब अपना अपना घर को सजाते हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। देख रहे कितना अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा सब लाइट लगा कर रखेंगे रोड में, रोड के किनारे अपने अपने घरों को लोग सजा कर रखे हैं। बहुत सारे मंदिर भी सजे हुए हैं, जो काली माता का मंदिर है वो सब भी सजा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे पूरा रोड सजा हुआ है, पूरा घर सजा हुआ है, पूरा एकदम दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे कितना अच्छा मंदिर सजा हुआ है, हर जगह रोड को सजाया हुआ है। देख रहे हैं रोड वगैरह सजाया हुआ है। तो आ चुके हैं यहाँ पर, रिंग ले रहे हैं, पिस्टल रिंग। डिस्कवर 150 का रिंग नहीं मिला था तो इस जगह पर आए हैं। और ये हमारा सामान पैक हो गया है, एक वाइजर भी है। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे, गाड़ी में माल बांध लिए हैं, ठीक है, वाइजर भी बांध लिए हैं। वाइजर एक गाड़ी का टूट गया था, डिस्कवर 150 का, 100 का लगा रहा था लेकिन कलर बोल रहे नहीं मैच कर रहा है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं दुकान, और अभी जितना काम होगा वो करेंगे, BS6 को फिटिंग करेंगे और बाकी को कल करेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने दुकान, है ना। तो दोस्तों आ गए हैं दुकान अपना, और ये हब और सेंटर CT125X, इसका हब और सेंटर है। ये ख़राब हो गया था तो ये कहीं मिल नहीं रहा था, एजेंसी में भी मैं गया था तो नहीं मिला था, तो हमें जाना पड़ा मार्केट और गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, उस गाड़ी में फिटिंग करना है इसको। ये दोनों पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, पूरी तरीके से, तो इसे चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा नया वाला, ये पुराना वाला ख़राब हो गया है, तो चलिए अब हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से तो वहाँ पर गाड़ी में लगवाते हैं। और ये पिस्टन आज एक्सल सुपर का खुला था और ये पिस्टन टूट गया है, देख रहे हैं पिस्टन टूट गया है और क्रैंक पूरा ख़राब हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जिनका गाड़ी है वो बोल रहे कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, तो गाड़ी खड़ी है इनकी, है ना। तो ये यहाँ पर फिट हो रहा है, हब और सेंटर, क्लच प्लेट वगैरह सारा चीज़ लग रहा है, ये फिटिंग हो रहा है। और ये वाशर जो कि किक का वाशर है, किक में लगता है, जब भी क्लच खोलते हैं तो 3 वाशर निकलता है, 2 तो नट में ही रहते हैं और 1 किक में रहता है, 3 वाशर रहता है। तो चलिए इसे ये फिट हो रहा है, ये फिट होने के बाद हम लोग फिर निकलेंगे घर, क्योंकि इसे फिट करके रख देते हैं, ये हो सकता है अभी आएंगे नहीं तो फिर सुबह आएंगे, बोल के तो गए हैं जिनका गाड़ी है वो कि रात में ही आ जाएंगे, आते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर सुबह लेकर जाएंगे। तो ये फिट कर रहा है लड़का मनदीप, और ये रिंग पिस्टन रिंग लेकर आए थे डिस्कवर 150 का, ये देख रहे हैं, ये इंजन का काम हुआ था इसका 4-5 महीने पहले, तो हल्का हल्का स्मोक करने लगा था ये गाड़ी, तो जब हम इसको खोले ना तो इसका रिंग बिल्कुल घिस गया था। तो इसका रिंग हम लेकर आए हैं, रिंग कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो जहाँ पर हम लोग लेथ का काम करवाते हैं ना, उनका एक बड़े भाई का दुकान है, वहाँ से ख़रीदे, वो सारा पिस्टन वगैरह, रिंग पिस्टन कनेक्टिंग रॉड वगैरह सारा चीज़ रखते हैं। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, इसका एडाप्टर ख़राब हो गया था, 48:12 जो करता हुआ एडाप्टर ख़राब हो गया था, ये लगाए हुए हैं और चेक कर रहे हैं सारा चीज़, इसका काम वगैरह कर रहा है, इसका सारा चीज़ काम कर रहा है, MCB इसका गिरा हुआ है, ये सारा चीज़ इसका काम कर रहा है, ये ख़राब हो गया था, इधर फिटिंग वगैरह कर देंगे। और इसका मीटर ख़राब है, मीटर हो सकता है नया लगाना पड़ेगा, नहीं तो कल लेकर जाएंगे मीटर दुकान में, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर मीटर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ में बहुत शॉर्ट वगैरह का प्रॉब्लम आता है, कभी मोटर में सेंसर शॉर्ट हो गया, तो कभी अडेप्टर शॉर्ट हो गया, तो कभी बैटरी में प्रॉब्लम है, यही सब इसमें प्रॉब्लम आता है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है इसमें। तो इंडिकेटर वगैरह इसका काम करने लगा, पहले काम नहीं कर रहा था इंडिकेटर हॉर्न वगैरह काम नहीं कर रहा था, तो अडेप्टर ही ख़राब था इसका, अडेप्टर हम चेंज कर दिए, ये इसका अडेप्टर पूरा हम कंप्लीट चेंज कर दिए और सारा लाइट वगैरह सब चेक कर लिए, सब काम कर रहा है। तो अब हम इसको
पैक कर देते हैं, लगा देते हैं, पीछे पूरा कंप्लीट कर देते हैं, आगे इसका खुला हुआ है क्योंकि मीटर इसका ख़राब है, तो गाड़ी वगैरह अंदर कर दिए। ये हमारा सिटी 125X BS6 कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम ये अभी आए नहीं है, टाइम हो गया ज़्यादा, तो हो सकता सुबह में आएंगे। तो गाड़ी को अंदर कर दे रहे हैं और अंदर करके अब हम लोग निकलेंगे घर की ओर। हमारा इधर का सारा काम हो गया, गाड़ी वगैरह अंदर कर दिए और इधर झाड़ू वगैरह लग रहा है क्योंकि रात में ही हम लोग झाड़ू मार के जाते हैं, सुबह में आते हैं तो हल्का फुल्का मारते हैं क्योंकि सुबह में कस्टमर आ जाते हैं, समय उतना नहीं मिल पाता, तो रात में ही सारा चीज़ करके जाते हैं। तो चलिए इसका बिल बना देते हैं, एक और ग्लैमर सर्विस होके गई है उसका बिल भी बना देते हैं, तो सुबह में आएंगे और इसका भी बिल बना देते हैं क्योंकि सुबह में आएंगे तो बिल तुरंत तुरंत बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम लोग निकलते हैं, हमारा सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत हिसाब कर लेते हैं गाड़ी वगैरह का, कौन कौन गाड़ियाँ गई है, कौन कौन गाड़ियों का ड्यूज है पैसा, ये सारा हिसाब कर लेते हैं। तो चलिए हिसाब वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि।